हेलो यूट्यूब फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पार्थ लकड़ावाला ब्लॉग्स। यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं चारकोप कांदीवली वेस्ट में सह्याद्री के बिल्डिंग में आया हूं और यहां पे सभी बिल्डिंग बहुत ही बड़ी बड़ी है और बिल्डिंग के साथ साथ में यहां पे सभी लोग बहुत ही मेहनती है तो यहां पे मिक्स लोकालिटी वाले, लेकिन एक चीज़ को यहां पे मानते हैं, गणेश जी को। जी हाँ, गणेश जी को मानते हैं, धामधूम से यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे स्वागत भी करते हैं, अच्छी तरह से डेकोरेशन भी करते हैं और साथ साथ में यहाँ पे बहुत ही मेहनती लोग रहते हैं। और ज़्यादा करके मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मराठी लोग हैं वो गांव से यहाँ पे आते हैं, अनाज तेल गेहूँ ये सब लेके आते हैं, यहाँ पे बेचते हैं। और यहाँ पे चार मंदिर हैं। जी हाँ, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, चार यहाँ पे मंदिर है। तो चलो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ ये वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये जो ब्लॉग मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। C12 रायगढ़ लिखा हुआ यहाँ पे, कैमरे को जूम कर रहा हूँ इसके लिए आपको पता चलेगा। अभी आपको आगे की साइड से आप बताता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, अभी ये मंदिर को यहाँ पे भी शिवलिंग है, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे दीवार पे फोटो लगाया है गणेश जी, पार्वती माता और शिव जी को। यहाँ पे त्रिशूल है, बाहर की साइड में नंदी गाय है और ऊपर की साइड में यहाँ पे गणेश जी की छोटी सी यहाँ पे मूर्ति है। यहाँ पे सह्याद्री पे आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत ही सभी लोग मेहनती है और ये जो सह्याद्री का जो बिल्डिंग है वो बहुत ही पुराना बिल्डिंग है, लेकिन मैं यहाँ पे पहले सह्याद्री में रह चुका हूँ और यहाँ पे सभी लोग मेरे जो दोस्त लोग थे वो अभी छोड़ के चले गए हैं अलग अलग जगह पे रहने के लिए, लेकिन उन लोग की दोस्त की कमी नहीं होती है, क्योंकि अभी उन लोग बड़े हो गए हैं, उन लोग की शादी हो गई है, मुझे भूल गए हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक दुकान है। और मैं ख़ास बात बता देना चाहता हूँ, ये जो दीवाल है, यहाँ पे कुछ नहीं था पहले, यहाँ पे सब्जी का स्टॉल यहाँ पे लगा देते, फिर बाद में ये पूरा दीवाल बना दिया। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं सह्याद्री का बिल्डिंग यहाँ पे भी है। मैं जहाँ पे रहता था सह्याद्री पे, वो यहाँ पे रहता था, मैं आपको दिखाता हूँ, भाड़े से मैं रहता था। जी हाँ, ये यहाँ पे मैं रहता था सह्याद्री पे। ये वो विंग में रहता था, थर्ड फ्लोर पे, और यहाँ पे मेरे सभी दोस्त लोग यहाँ पे रहते थे। और यहाँ पे मेरे एक अंकल है रहते हैं, फोर्थ फ्लोर पे, सीनियर सिटीजन है, बहुत ही अंकल मेहनती है, लेकिन वो अंकल का अभी दुकान बंद हो गया है, इसके लिए अभी अंकल और आंटी घर पे बैठे रहते हैं, उसका बेटा भी है। और यहाँ पे भी एक सीनियर सिटीजन है जो मेरे एक फ्रेंड है, वो भी यहाँ पे कौन से विंग में रहते हैं मुझे पता नहीं है। अभी
आपको लेके चलता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे भी एक स्टॉल है, ये देखिए यहाँ पे भी स्टॉल है, यहाँ पे लिखा हुआ है वड़ा पाव। रात के टाइम पे ही सब यहाँ पे खुलता है, शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे सभी लोग यहाँ पे मेहनती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी दुकान बंद है फिलहाल। और यहाँ पे भी एक मंदिर है। सो ये देखिए, यहाँ पे भी बहुत ही बड़ा मंदिर है। यहाँ पे फिलहाल कामकाज चालू है इसके लिए। और अभी आप देख सकते हैं, राम, लक्ष्मण और सीता माता और हनुमान जी। अभी तो मंदिर सिर्फ बनाया है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे गार्डन है। अभी गार्डन के अंदर तो कुछ है नहीं, लेकिन सादा सिंपल गार्डन है यहाँ पे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। अभी ये सह्याद्री के अंदर ही एक बहुत ही बड़ा मंदिर है, जो यहाँ पे मैंने आपके सामने में ब्लॉग बनाया था। ये बहुत बड़ा मंदिर है। और ये मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर के अंदर गणेश जी की स्थापना और माता जी की भी स्थापना यहाँ पे ये बड़े मंदिर में होता है। और साथ साथ में यहाँ पे योगा क्लास भी करते हैं यहाँ पे, ये मंदिर के अंदर। फिलहाल ये मंदिर अभी बंद है, आपको बाहर से नज़ारा दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप अभी एरिया देख रहे हैं, वो पहले यहाँ पे स्कूल था, बाद में यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ के यहाँ पे कुछ बना दिया है, मुझे पता नहीं है, कार सर्विसिंग का यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे पहले स्कूल था, यहाँ से सह्याद्री से सभी लोग यहाँ से यहाँ से आते थे और यहाँ पे पढ़ाई करके बाद में वापिस सह्याद्री पे चले जाते थे। ये सह्याद्री के अंदर बहुत ही एक छोटा सा मंदिर है, तो चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितना छोटा सा मंदिर है, और ये मंदिर के अंदर कितने छोटे छोटे घंटे लटकाए हैं। दत्तात्रेय भगवान, शिवलिंग और शिव जी की छोटी सी मूर्ति और नंदी गाय की छोटी सी मूर्ति। ये देखिए, सुपर, आपने ऐसा कभी मंदिर देखा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कितने छोटे घंटे हैं। यहाँ पे आपको साउंड सुनाता हूँ, ये एक साउंड हो गया, अभी दूसरा आपको साउंड सुनाता हूँ इसका घंट का। अभी एक लास्ट और अंतिम एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, जो शनिवार को यहाँ पे बहुत ही भीड़ होता है। और ये मंदिर के अंदर सभी भक्त लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और तेल और तिल भी चढ़ाते हैं। तो आपको लेके चलता हूँ वो मंदिर की तरफ, जहाँ पे एंडिंग होने वाला है मेरा ब्लॉग। तो यहाँ पे देखिए, ये भी हनुमान जी का मंदिर है,
यहाँ पे हर शनिवार को सभी भक्त लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी घंटे, अभी फिलहाल मंदिर बंद है, लेकिन बहुत ही अच्छा मंदिर है। सो YouTube फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। आप सभी लोग को ये सह्याद्री वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, न्यू ब्लॉग पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब करते रहिए, और भी नए नए ब्लॉग YouTube चैनल पे अपलोड जरूर होगा।